महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के समन्वित प्रयास से मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य एवं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के विशिष्ट आतिथ्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस दौरान सांकेतिक रूप से 11 बच्चों को मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री ने दूध पिलाकर योजना का शुभारम्भ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण जहाँ पूरा विश्व प्रभावित हुआ, वहाँ सरकार के कार्यों एवं योजना का प्रभावित होना लाजमी है, लेकिन कोविड के विरुद्ध सुरक्षित वातावरण बनाने की पुरजोर कोशिश के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पुनः सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। वहीं सभी घोषणाओं को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने के लिए आंचल अमृत योजना के पुनः संचालन के लिए 18 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है। और प्रारंभ भी बहुत जोरदार तरीके से हम सब लोगों ने किया, लेकिन हम सबको नहीं मालूम था कि हम सब लोग एक कोरोना के कालखंड से गुजरेंगे और एक समय ऐसा आया 2020 जब जो है कोरोना का इतना प्रभाव हुआ जिसके कारण से हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र भी और हमारे मैं कह सकती हूँ कि दूध का प्रोडक्शन भी वह भी कहीं ना कहीं हमको सीमित करना पड़ा, क्योंकि यदि उत्पादन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको वितरण करने की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। ये दोनों चीज़ें बाधित हुई, साथ साथ में मैं कह सकती हूँ कि वित्तीय प्रबंधन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था, जिसके कारण से योजना 2020 में कोरोना के कारण से रुकी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धामे जी का विशेष धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वो युवा मुख्यमंत्री जी हैं और युवा मुख्यमंत्री होने के साथ में एक युवा सोच है। सर्वप्रथम तो आपको विशेष धन्यवाद दूंगी कि आपने 100% वैक्सीनेशन का प्रथम डोज का जो है पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड ने उपलब्धि हासिल करी है, मैं उसका विशेष धन्यवाद दूंगी, जिसके कारण से अभी यह वातावरण बनता जा रहा है कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी है, जिसके कारण से यह वातावरण बनता जा रहा है कि अब हमें अपनी योजनाओं को जो है योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति से लेकर उसके संचालन में कहीं कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस योजना के संदर्भ में हमने चर्चा करी, उनको हमने इस बात से अवगत कराया कि योजना इस समय से प्रभावित है, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारे बच्चे जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्षों से लेकर 6 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं वह दूध लेते हैं, 100 ml का दूध लेते हैं, और उन बच्चों के लिए वो बच्चे चूँकि आगे चल के हमारे युवा उत्तराखंडी बनने वाले हैं, हमारे युवती उत्तराखंडी बनने वाली हैं, उनका हष्ट पुष्ट होना, उनको हर प्रकार से स्वास्थ्य से मजबूत होना बहुत आवश्यक है, और वो यदि संभव है तो इस दूध के कारण बहुत ये दूध हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बजट भी लो और कार्यक्रम भी करो और इसको सुचारू भी रखो। माननीय मुख्यमंत्री जी धामे जी का विशेष धन्यवाद दूंगी कि आपने संपूर्ण बजट जो है डिपार्टमेंट को देने का काम किया है, जिसके कारण से आज हम इस योजना को प्रारंभ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, देहरादून।